से किया गया है वो समर्थन पत्र दे सकते हैं एनडीए के तमाम बड़े नेता। तो एनडीए के नेता समर्थन पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दे रहे हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू भी राष्ट्रपति से मिलेंगे, यानी एनडीए के जो घटक दल हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट वाला समर्थन वाला पत्र सौंपेंगे, बड़ी खबर है ये। कोई समय की जिसे कहते हैं ना कोई टाइम वेस्टेज नहीं करना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा अब जो है मौका दीजिए ही मत खेलने के लिए। केसी त्यागी इस पर कुछ बोले, जरा सुनवा देते हैं उनकी बात। भी वहां से भी खबरें आई और बयानबाजी हुई कि इंडिया गठबंधन भी कोशिश में है कि सरकार बनाई जाए, उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, और ये भी खबरें हैं कि टीडीपी और जेडीयू से बात करने की भी कोशिश की जा रही है। इंडी गठबंधन कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए और कोई भी ख्वाहिश पालने के लिए स्वतंत्र है। हम एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बीजेपी के पास अकेले संख्या नंबर नहीं है, लेकिन एनडीए 293 का जादुई आंकड़ा पार कर चुका है। आज बैठक है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी दिल्ली आने वाले हैं, बैठक में भी वो शामिल होंगे, और जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी सौंपेंगे जो राष्ट्रपति को जाता है, जिसमें जेडीयू का समर्थन श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्तावित है। मैं इन सारी चर्चाओं को, अफवाहों को और इच्छाओं को भी सिरे से खारिज करता हूँ। वी आर विद एनडीए, वी विल रिमेन इन एनडीए, एंड वी आर फॉर नरेंद्र मोदी टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अभी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, काफ़ी नेगोशिएशंस भी हो सकता है और सरकार में आप लोग सहयोगी भी रहेंगे, तो कोई खास डिमांड भी रहेगी जेडीयू की तरफ से? नहीं, हम खुले दिल से एनडीए के साथ हैं, कोई शर्त नहीं है। इच्छा हमारी जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये मांग हमारी पहले से चली आ रही जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। हम जब पहले एनडीए में थे तब भी हमारी ये मांग थी, लेकिन जो जो 15वां वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन लेड बाय एन के सिंह जी, उन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस में वो सब चीज़ें नहीं डाली जिससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें हमारी कोशिश भी होगी, प्रयास भी होंगे, और इन एफर्ट्स को और तेज करेंगे, क्योंकि बगैर विशेष राज्य का दर्जा दिए बिहार का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में हैं, और ये भी है कि कहीं फ्लाइट का रुख दूसरी तरफ ना चला जाए। नहीं, उनकी गाड़ियाँ अलग अलग गई हुई हैं और डेस्टिनेशन भी अलग हैं और मंजिलें भी अलग हैं और विचार भी आज अलग अलग, इसलिए उसको गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। और यूं भी सांस्कृतिक जो रिश्ते हैं वो कायम रहते हैं, हमने लालू जी के साथ लंबे समय तक काम किया है, लेकिन अब हमारी कोई इच्छा उनके साथ काम करने की नहीं। तो केसी त्यागी को आपने सुना, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बोला वी आर विद एनडीए, वी विल बी विद एनडीए एंड वी विल सपोर्ट नरेंद्र मोदी, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ। यतेंद्र, जो बड़ी खबर आ रही है सपोर्ट वाले खत के साथ, समर्थन वाले पत्र के साथ, तमाम घटक दल के साथ एनडीए के नेता पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, क्या खबर, क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल पंकज, आज शाम को 4 बजे एनडीए दल जो घटक दल हैं उनके प्रमुख नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया है। 4 बजे वो प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री मोदी के साथ और गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और अब से कुछ देर पहले ही, मैं आपको पंकज पहले बता दूं, अब से कुछ देर के बाद ही कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सामूहिक तौर पर इस्तीफे का फैसला लिया जाएगा, क्योंकि परंपरा रही है कि चुनाव के बाद जब भी नई सरकार का गठन होता है तो इस्तीफा स्वाभाविक है और ये परंपरा भी है। तो आज कैबिनेट का इस्तीफा हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति से मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे प्रधानमंत्री। और उसी से प्लीज इसका जवाब दीजिए, आपको सूत्र क्या बता रहे हैं, ये क्या अनकंडीशनल सपोर्ट है? क्योंकि हमें तो सुबह से ये लग रहा था कि चूंकि अपना पूर्ण बहुमत लेकर बीजेपी नहीं आई है, अब ये दोनों जो घटक दल हैं इसके नेता बार्गेन करेंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि 4 बजे जाकर समर्थन पत्र, यानी अनकंडीशनल सपोर्ट।
देखिए अनकंडीशनल होगा नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जब भी इस तरह की गठबंधन सरकार बनती है तो जो घटक दल होते हैं वो अपना कुछ ना कुछ प्रेशर बनाते ही हैं, अपनी कुछ ना कुछ डिमांड वो रखते ही हैं। अभी तक का इतिहास तो रूबी का यही कहता हुआ आया है, लेकिन कल रात को खुद गृहमंत्री अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घटक दलों के प्रमुख नेताओं से बातचीत किया और सभी ने उनसे साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर अपने समर्थन का वादा किया कि वो एनडीए में और आजकल आपस में मिलना उतना जरूरी नहीं होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे है तो जरूरी नहीं कि सामने सामने बैठ के बात हो। लेकिन नहीं पंकज, फिर इसमें ये देखना होगा कि जो मांगा वो उस पर सहमति दर्ज कर दी गई है कि जो चाहत है उसके लिए कह दिया गया आपको ये मिल जाएगा। यतीन देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई भी बयान घटक दलों की तरफ से नहीं आया है कि उनकी कोई डिमांड ऐसी हो जिस पर सहमति ना बन पा रही हो, क्योंकि सभी ने, चाहे वो नायडू की तरफ से आए हो या केसी त्यागी की तरफ से आए हो या चिराग पासवान की तरफ से आए हो या दूसरे जो छोटे घटक दल हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो एनडीए में बने रहेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनका विश्वास है। और कल प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आपने देखा भी होगा, जो उन्होंने भाषण में कहा कि तीसरी बार वो एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो वो उनका विश्वास है और घटक दलों का जो विश्वास है